नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। स्थानीय आर्किड होटल में जाली फिल्म एंटरटेनमेंट निर्मित पटकथा लेखक कबीरदा मुंबई तथा निर्माता मनमीत सिंह नायर, छायांकन सुमित सोनी, विनीत गजबीय अनेक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत फिल्म 8 अप्रैल को गोंदिया के प्रभात टॉकीज में और महाराष्ट्र दिल्ली अनेक राज्य में फिल्म प्रदर्शित हो रही। फिल्म के निर्माता लेखक कलाकार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमिका, संजय भास्कर नेहरू की भूमिका में सुनील भालेराव, ब्रिटिश विजय भयकर, ब्रिटिश पत्रकार सतीश पारधी, रियाज भाई सैयद अनेक फिल्म कलाकार प्रमुखता से उपस्थित। जो उनके चार बच्चों का शहादत है, उनकी पत्नी की शहादत है, उनके पिताजी की शहादत है, और जो तकलीफें और जो संघर्ष से वो जूझे हैं, जिन इंसान को पानी पीने का आजादी नहीं थी, जिनको एक स्कूल में देखिए, मेरे लिए ये मेरे समुदाय का रक्त है, रक्त रक्त। और ये जो डायलॉग वहाँ पे है, ये सबसे अच्छी लड़की जो वो सो रही है अभी, और सो नहीं रहने की वजह से सुनने में शायद इतना मजेदार नहीं लग रहा, लेकिन आप अगर फिल्म देखेंगे या फिर ट्रेलर में ये डायलॉग है, आप देख सकते हैं। वहीं गोंदिया में महाकालिका कर्म विधान सेवा आश्रम श्रीनगर गोंदिया द्वारा भव्य आयोजन किया गया। गोंदिया महाकालिका मंदिर श्रीनगर गोंदिया में सद्गुरु पीर बद्रीनाथ जी के शिष्य महंत योगी रामनाथ तथा बाल योगी पृथ्वीनाथ इनके मार्गदर्शन में मंदिर में छबीबाई कोनार की बरसी पर पंडितों द्वारा हवन पूजन भजन महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें राम खिलावन, बिना सिंह गोपी, कटेजा, महेश पांडे, धर्मनाथ, भोजराज आदि भक्तगण सेवाधारी प्रमुखता से उपस्थित थे। वहीं गोंदिया में दो वर्षों से लगातार स्थानीय प्रतिनिधि रेल प्रशासन अनेक वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने से ज्ञापन देने के बावजूद भी महाराष्ट्र रेलवे में सभी सुरक्षा के पुल चालू हो गए, किंतु अभी तक रेलवे पुल शुरू नहीं हुआ। इसे करने कुड़वा रामनगर सूर्याटोला ग्रामीण अंचल के हजारों जन समुदाय को 3 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है, जबकि रेलवे पुलिस जीआरपी और आरपीएफ सदैव रहती है। बावजूद यह कैसी किसकी सुरक्षा का सवाल उठ रहा। अविलंब पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल से अविलंब ध्यान देकर रेलवे पुल शुरू करने की मांग की जा रही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। यह के बारे में यही तकलीफ है कि पिछले 2 साल से बंद है और कोरोना जा चुका है। अब यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों को बहुत तकलीफ होती है, और यहाँ पे दोनों तरफ गोंदिया बसा हुआ है, आधा इधर और आधा उधर। इधर एजुकेशन का हब है, इधर मार्केट है, तो लोगों का आना जाना यहीं से होता है, और यहाँ बंद होने की वजह से वो अंडरग्राउंड से आते जाते हैं, जहाँ पे लाइट बंद रहती है और पानी का बहाव भराव ज़्यादा रहता है, और लूटमार की भी घटनाएं वहाँ ज़्यादा होती है। इसलिए यात्रियों को भी तकलीफ है और जनता को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और हमारा रेलवे जो है मटका कोला समिति, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। सामने वाली पुलिया पिछले 2 साल से कोरोना से बंद पड़ी है, जब कोरोना हर चीज़ खत्म हो गया है, पूरे स्टेशन खुल गया, रायपुर खुल गया, राजनांदगांव खुल गया, नागपुर खुल गया, वर्धा खुला है, अहमदाबाद खुला है, पूरे शहर खुल गया है, पर गोंदिया शहर में क्यों नहीं पुलिया खोल रहे। गोंदिया शहरवासियों को इतनी तकलीफ हो रही है, गोंदिया शहर की पब्लिक आधी चढ़ती है आधी उतरती है गोंदिया, वही पुलिया जो आधी चढ़ती है आधी उतरती है। गोंदिया रामनगर वाले रहने वालों को बेचारों को बहुत परेशानी है, रात को 9 बजे रामनगर से इधर आ नहीं सकता आदमी, अंडरग्राउंड में पूरा अंधेरा रहता है और पानी